पहला जो टॉपिक हम लिखते हैं उसको समझना, लिखना किसी को नहीं है, खाली हम लोग को सुनना है और दिमाग में इसको सेट करना है ये स्मार्टफोन है क्या, ये होता क्या है, और इसमें हम लोग को जो है चीजें अच्छी या बुरी जो है दोनों में से डिसाइड क्यों करना पड़ रहा है कि हमको इसके फायदे लेने हैं या इस, हमको इसके नुकसान लेने हैं। तो देखो स्मार्टफोन का सारा जनरेशन का फिगर दिखा दिए, 1G से स्टार्ट हुआ था और 1G में सिर्फ और सिर्फ नंबर डायल करने का सिस्टम था और कुछ नहीं था। उसके बाद फिर 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ, 5G में हम लोग सारे के सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जाने वाले हैं, IoT होने वाला है। तो स्मार्टफोन जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बना हमारे लिए जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीजों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई वर्ड लिखा हुआ है और आपको उसके बारे में जानना है कि ये वर्ड है क्या या इसके बारे में जानकारी आपको लेनी है, तो आपके पास चॉइस क्या होगा कि आप उसके लिए बुक ढूंढी। जैसे मान लो कहीं पे कोई वर्ड लिख दिया है तो उसके लिए पहले आप बुक ढूंढी, डिक्शनरी ढूंढिए, उसमें से आप उसको पढ़िए। प्रॉपर टाइम टेकिंग था, तो टाइम टेकिंग था, चीजें हमारे पास की जो थी वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा था और टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण हम लोग चीजों को स्मार्ट करने चले गए। और स्मार्ट में एक जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का हमारे पास पहले से अवेलेबल था वो था फोन, तो फोन में ही हम लोग चीजों को ऐड करते चले गए और ऐड करते हुए ये टेक्नोलॉजी जो है बन गया स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन बन जाने के बाद हम लोग कोशिश ये किए थे, मतलब पर्पस ये था कि जहां हमारा ज्यादा टाइम लगता है उस चीज को हम लोग कंट्रोल करके और उस पर कम टाइम लगाए। जैसे किसी चीज को सर्च करना हो, किस चीज को भेजना हो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी को बुलाना है आप और वो यहाँ से दिल्ली में, आपके पास चॉइस क्या था कि एक आदमी की जाने खुद उसको बोलिए कि आप यहाँ चले आओ, 2 दिन का टाइम लगेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके बाद फिर हम लोगों ने ये कम्युनिकेशन के लिए डाकिया वाला इस्तेमाल किया, पार्सल और कुरियर का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो भी डिले वाला। उसके बाद फिर चीजों को इम्प्रूव करते करते अब हमारे पास चॉइस क्या है, व्हाट्सएप करना, किसी को बुलाना है चाहे वो कहीं भी हो, जीवित होना चाहिए, हम लोग एक व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो विद इन मिली सेकेंड जो है उसको रिसीव हो जाएगा। अभी जो है अगर व्हाट्सएप किया जाए किसी को तो विद इन मिली सेकेंड रिसीव हो जाएगा। इसीलिए जो स्टार्ट हुआ था फोन से इसको स्मार्ट, जो स्टार्ट हुआ था फोन से इसको स्मार्टफोन बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही काउज था कि हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सके, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि हम अपने टाइम को बचा सके, जहां भी कम्युनिकेशन या जहां पर भी हम लोग ज्यादा टाइम लगा रहे थे उस चीजों में टाइम को बचा सके। इसीलिए हम लोग स्मार्टफोन को जो है वो ये किए हैं, जो मतलब बनाए हैं, इन्वेंट किए हैं, और इसका मेन पर्पस यही था टाइम को कम करना। उसके बाद अभी जो है दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि स्मार्टफोन जो हमारे पास है उस स्मार्टफोन का हम लोग यूज जो है स्मार्टफोन का यूज का क्या क्या यूज हम लोग कर सकते हैं या क्या क्या यूज कर रहे हैं अभी, इस बात को आपको जानना है। तो स्मार्टफोन को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट तो किए थे कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के बाद इसको हम लोग दूसरा जो बनाया, दूसरा जो इसका पर्पस किया बनाया इसका वो था इसका नॉलेज शेयरिंग। उसके बाद तीसरा पर्पस इसका हो गया एंटरटेनमेंट। तो अभी जो है हम लोग स्मार्टफोन का सबसे पहला जो है वो तो कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा जो हम लोग इसका यूज करने लगे वो यूज करने लगे नॉलेज शेयरिंग। उसके बाद तीसरा जो अब यूज करने लगे हैं वो है एंटरटेनमेंट। क्या हुआ? और अभी हो गया है एंटरटेनमेंट। मेनली यही 3 यूज हमारे पास है इसका, स्मार्टफोन या फोन का कह ले, मेन यही 3 यूज है। अब इन 3 यूज में हम लोग जिससे स्टार्ट किए थे उसपे तो खैर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, मतलब कम्युनिकेशन को लेकर के तो चीजें बहुत स्लो थी। यहाँ पर से हम लोग जो है टाइम को रिड्यूस कर लिया, मतलब टाइम यहाँ से हम लोग कम करके और बचाना सीख लिए। लेकिन जो ये एंटरटेनमेंट इसमें एडिशनल अटैच हुआ, चाहे आप गेमिंग ले लो, चाहे आप वीडियो कॉलिंग ले लो, जो भी चीजें एंटरटेनमेंट आपको देती है इसमें जा करके, और ये टाइम कंज्यूमिंग बन गया, मतलब जो हमारा बचने वाला टाइम था ये हो गया टाइम कंज्यूमिंग। जबकि पर्पस ये था कि जो टाइम यहां से रिड्यूस होता है उस टाइम को हम लोग नॉलेज शेयरिंग में यूज कर ले, पढ़ाई के लिए चीजों में यूज कर ले और बाकी
बाकी और भी जितने तरह का चीज आपको जरूरत पड़ता है, जैसे अगर आप इंटरमीडिएट में है अब तो बहुत सारी चीजें जानने सीखने की जरूरत है, तो उसके लिए यहाँ नॉलेज में लेकर के जाए। अब पंद्रह ये हुआ कि हम लोग कॉम्युनिकेशन से सीधे छलांग मार के और पहुंच गए यहाँ एंटरटेनमेंट में, और इस नॉलेज का तो कोई यूज ही नहीं रहा फोन, और जहां टाइम रिड्यूस करने वाला चीज था इससे हम छलांग मार के पहुंच गए टाइम कंज्यूमिंग में, और अभी हमारे पास स्मार्टफोन का सबसे खतरनाक जो यूज है वो है एंटरटेनमेंट के लिए। टीवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, सोशल नेटवर्किंग का यूज करते हैं, या जो भी चीज है वो सब के सब जो है टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो ये हमारे पास जो है दूसरा सबसे बड़ा जो इफेक्टिव रहा इसका, कि जहां से हम स्टार्ट करे थे उस गोल को तो बहुत अच्छे से अचीव कर लिया, लेकिन जब चीजें और ज्यादा अटैच हुई तो वो चीज जो है मान लीजिए जरूरत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती चली गई, मतलब जितना वो हमको फायदा नहीं पहुंचा रहा है उससे कहीं ज्यादा जो हम लोग का ये नुकसान पहुंचाने लगा। इसके बाद फिर जो है इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है अभी रिसेंटली जो है इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, वो है एडिक्शन। कोई बताएगा आपको एडिक्शन होता क्या है? लत मतलब क्या? एक वर्ड हम लोग लत को हैबिट ही कह सकते हैं, और एक इसी का अंग्रेजी होता है एडिक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या हैबिट कहने का मतलब हम अच्छी चीजों के लिए कह सकते हैं, जैसे किसी को दारू पीने का हैबिट नहीं होता है, होता है क्या? अब इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे हैबिट और एडिक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है? हैबिट अच्छी चीजों का होता है और एडिक्शन बुरी चीजों का होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्मार्टफोन को जो इसको कितना अच्छे पर्पस के लिए बनाया था, स्टार्ट करा था कि इसके टाइम कंज्यूमिंग को कम कर सके और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ा सके, नॉलेज गेन करने वाले फोन को हम लोग ज्यादा क्लोज पा सके, उस चीज को जो है हमने ऐसा कर दिया इस इंटरटेनमेंट के चक्कर में कि अब वो जो है एडिक्शन बन गया। जो हैबिट होनी चाहिए थी हमारी, जैसे फोन पे पढ़ाई भी पॉसिबल है, और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब जो है उस पे से आप पढ़ भी, जैसे जो भी हम आपको दिखा रहे थे उसको भी हमने यूट्यूब से लिया है, तो ये सारे नॉलेज वाली चीजें भी उसमें अवेलेबल है, लेकिन ये सब को छोड़ करके और हम लोग कहीं और ही शिफ्ट हो गए हैं, इसकी वजह से अभी ये टर्म आता है एडिक्शन। तो स्मार्टफोन जो है वो हमारे लिए बड़ा गंदा ये बन गया है और ये एडिक्शन बन गया है। एडिक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इस पे, एडिक्शन का एक और भी ये होता है कि एक तो आदि होना होता है और दूसरा होता है फर्स्ट जार। अब इसमें जो है हम लोग बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि स्मार्टफोन के लिए अगर किसी को ये कह दिया जाए कि स्मार्टफोन छोड़ दो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, उसके ऐसे लगता है कि ऑक्सीजन छोड़ने के लिए बोला गया, कुछ ऐसा रखा हो जाता है। अगर किसी का फोन खो गया बेचारा 20 दिन तक सदमे में रहेगा कि मेरा फोन खो गया, कुछ इस तरह का हो गया। अभी कितना ज्यादा ये हो गया है कि हम लोग इस पर डिपेंड नहीं बल्कि इसके इसको लेकर के ऑब्सेस्ड हो गए। अब ऑब्सेस्ड तो छोड़ के एकदम एडिक्ट हो गए कि इसके बगैर जो है लगता है कि मर ही जाएंगे, जीवन क्या करेगा ना करके जब फोन ही नहीं है, कुछ इस तरह का आदत हो गया है। इसीलिए हम लोग अब इसमें एडिक्शन का यूज करना शुरू कर दिए हैं, स्मार्टफोन के लेकर के एडिक्शन टर्म का यूज होना शुरू हो गया। अब एडिक्शन से जो है हम लोग का बहुत सारा टाइम, पहले तो टाइम जा रहा है, दूसरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्ड छूट जा रहा है। हालत तो ऐसी है, हमको अच्छे से पता है इसका, कि जब मूवी देखना स्टार्ट किए या कोई सीरियल आना शुरू हो गया तो ये भी पता नहीं चलता क्लास भी हमको जाना था, क्लास के 10 मिनट लेट हो गए, या कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि मूवी देखने से जाकर तो क्लास आज तक पढ़ लेंगे किसी का छाप लेंगे, पहले मूवी देख लेते हैं। जो कम इम्पॉर्टेंट है वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और जो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीजों का जो है हम लोग उस पर ज्यादा टाइम देने लगे, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे करके हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए और उसको कर लिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अब जो है स्मार्टफोन वो एडिक्शन बन गया।